हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है किंग फैसल यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो चुके हैं और आप एंड ऑफ दिसंबर 2023 तक जो है इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप जो है ये हमारे पास जस्ट एमएस और पीएचडी के लिए है, ये बैचलर के लिए यह स्कॉलरशिप नहीं है। इस स्कॉलरशिप में हमारे पास जो फिर कोर्सेज अवेलेबल हैं वो है एग्रीकल्चर, वेटरनरी, एजुकेशन, बीए, मेडिसिन, साइंस, सीएस, आईटी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, लॉ, डेंटिस्ट्री, ये बाकी जो है ये सारे ही हमारे पास कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें तकरीबन सारे ही फील्ड्स कवर हो जाते हैं। फिर हम इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की तरफ जब आते हैं तो इस स्कॉलरशिप में आपको जो है मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और फिर आपका रहन सहन, जो आपका हाउसिंग है, वो भी स्कॉलर यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड है। फिर आपका जो हेल्थ केयर है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, आपका फूड, आपका ट्रेवल टिकट, सारा जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होगा। फिर जब इसमें हम आएंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ, तो फिर इसमें आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एचईसी से ऑथेंटिकेटेड हो, मतलब एचईसी से आपने टेस्ट करवाना है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी आपने टेस्ट करवाना है। फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए जो वो भी एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। आईडी या पासपोर्ट होना चाहिए, एक फोटोग्राफ होना चाहिए, और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास जो आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपके सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड हो, जिनके जीपीएस जो है वो अच्छे हो, और मेडिकली फिट हो, और अपने टाइम में ही जो है अपनी पूरी स्टडी जो है अच्छे से कवर की हो। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको फुल प्रोसेस बताएंगे कि स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम किंग फैसल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल स्कॉलरशिप्स उनके लिए होते हैं जो सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी ही रह रहे होते हैं, जिनके पास अकामा होता है या किसी और जॉब वगैरह के लिए जो है वहाँ पे पहले से ही रेजिडेंट होते हैं सऊदी अरेबिया के। फिर जो आता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सऊदी अरेबिया में नहीं रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, कहीं भी रह रहे हों, तो एक्सटर्नल ऑप्शन जो है वो उनके लिए है। फिर हम आप आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। रिक्वायरमेंट्स इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए सेम ही है। फिर आ जाते हैं कि एज, एज जो है मास्टर्स के लिए आपकी एज जो है वो 30 से अबव नहीं होनी चाहिए, और पीएचडी के लिए आपकी एज 35 से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज इन फिगर्स से ज़्यादा होंगी तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी है कि आपको अगर सऊदी में स्टडी करनी है तो वहाँ के कौंसलेट से उसमें अप्रूवल लेनी होगी। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो है कि आप एक टाइम पर एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे स्कॉलरशिप अप्लाई कर चुके हैं या आपको वो ग्रेंट हो चुकी है तो आप फिर इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए वो भी सऊदी इंस्टीट्यूशंस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। फिर एप्लीकेंट जो है वो किसी दूसरे सऊदी इंस्टीट्यूशन से निकाला ना गया हो किसी भी वजह से, तो फिर अगर आप निकाले गए हैं तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं हैं। तो अभी हम आ चुके हैं किंग फैसल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, यही से आपने जो है अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, और यही से आपने स्कॉलरशिप के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। तो अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आपने पहले यहाँ पे न्यू हियर रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये आपको जो है वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन कर देगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यह विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट कर लेनी है, जैसे कि फुल नेम यहाँ पे आपने लिखना है, फिर आपने अपने जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आईडी कार्ड नंबर लिखना है, फिर आपने बर्थ डेट लिखना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और फिर आपने यहाँ पर रजिस्टर क्लिक कर लेना है।
जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ईमेल आपको सेंड हो गई है, वहाँ से आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। अब जब रजिस्टर करोगे आपके पास लिंक आएगा, जब लिंक आएगा वहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक करना है। जब लॉग इन पे क्लिक करोगे आप अपना यूजर नेम और ईमेल जो है यहाँ पे एंटर करोगे। जब आप लॉग इन करोगे आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आपने आ जाना है यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट पोर्टल पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टू ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है इंटरनेशनल एडमिशन्स का, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरा है सऊदी का, वो जस्ट सऊदी के लिए है, ये हमारे लिए इरेलेवेंट है। तो हम क्लिक करेंगे इंटरनेशनल एडमिशन पे। हमारे पास है कि हमने यहाँ से, फिर हमारे पास लिंक आ जाएगा जिसमें हमने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। प्रोफाइल के लिए हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हमने स्कॉलरशिप टाइप चूज करना है, फुल स्कॉलरशिप यहाँ पे चूज करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, सारी ही डिटेल आपने इसी तरह से पुट कर लेनी है। जितनी भी आपसे रिक्वायर्ड है वो सारी आपने पुट कर लेनी है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपने अपनी सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, डिग्री, प्लेस ऑफ ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो आपका सब्जेक्ट है फील्ड वो, मेजर, स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन अगर कोई है, डेट ऑफ ग्रेजुएशन और जीपीए, और फिर उसमें से आपकी जितनी जीपीए है वो कैटेगरी में से आपने चूज करना है। अगर आपका 4 है तो 4 जीपीए, टोटल 4 है तो फिर 4 ही सेलेक्ट करें, अगर टोटल 100 है तो 100 सेलेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास 4 ही होता है। तो यहाँ पे आपने 4 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर आपने अपने जीपीए का स्कोर डालना है। फिर आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट प्रेस करके यहाँ पे आपने अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट अपलोड करनी है, एग्जाम टाइप आपने चूज करना है, आपने आइल्स किया है, टॉपिक किया है, स्टेप, सीएई, सीपीई, जो भी आपने इंग्लिश एग्जाम पास किया है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके स्कोर लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके सेव करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करेंगे, नेक्स्ट प्रेस करके अब यहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, पर्सनल फोटो, सीवी, रिकमेंडेशंस, 2 कम अज़ कम आपको चाहिए, और जो बाकी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। विंडो में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं और फिर आपने यहाँ पे सेव क्लिक करना है। सेव क्लिक करने के बाद हमारा कंप्लीट हो गया है सारा एप्लीकेशन, और अब जो है आपने सर्विसेज में जाके वहाँ से अप्लाई करना है।
सर्विसेज में आके आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो है इंटरनेशनल एडमिशन पे क्लिक करना है। इंटरनेशनल एडमिशंस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो से फिर ही आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने अपनी फैकल्टी चूज करनी है, जोन से भी आपकी फैकल्टी है, एग्रीकल्चर है, साइंस है, आर्ट्स है, जोन से भी है वो यहाँ से चूज करनी है। फिर यहाँ से आपने जो है अपनी डिग्री चूज करनी है, मास्टर्स है, डिप्लोमा है, पीएचडी है, वो यहाँ से चूज करनी है। फिर यहाँ पे आपके जो प्रोग्राम्स है वो आ जाएंगे आपके पास, ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, तो फिर उससे आप अपना प्रोग्राम चूज करेंगे। फिर यहाँ नीचे आपने पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। फिर आपने यहाँ सेंड के बटन पे प्रेस करना है। सेंड के बटन पे प्रेस करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम जरूर आपको आंसर करेंगे। फिर आप माई रिक्वेस्ट में जाके अपना एप्लीकेशन चेक भी कर सकते हैं सबमिट करने के बाद। अब अगर मजीद वीडियोज आपको इसी तरह स्कॉलरशिप्स की डिटेल में प्रोसेस की चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।